ठीक है, तुम कपड़े दिखा देना मुझे, हैं? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी, ये हमारी सास है, बहुत पुरानी है, मेरा मतलब है इस मोहल्ले में सबको जानती है, अगर किसी के बारे में मालूमात हासिल करनी हो ना इनसे पूछ लेना। कैसी है आंटी आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तशरीफ रखिए ना। हाँ, वो अम्मी है ना, मकान नंबर 10 में शिफ्ट हुई है, अपना खुद का खरीदा है तो कुरान खानी रखी है, उसी का बुलावा देने आई है। आपको बहुत मुबारक हो नए घर की। बहुत बहुत शुक्रिया आंटी। अये आंटी, आंटी क्या कर रही हो है? हमारी सास को ना पूरे मोहल्ले में सब बेबी बाजी कहते हैं, तुम भी वही कहो। आई अल्लाह, तो ये है बेबी बाजी। असल में हम लोगों ने जिनसे घर खरीदा था ना, उन्होंने भी बड़ा जिक्र कर रखा था आपका। बड़ी पक्की सहेली थी हमारी सास की, पर जाते हुए मिलके भी नहीं गई। हाँ हाँ, बस वो जरा अपनी पैकिंग वगैरह में इतनी मसरूफ हो गई तो जरा जल्दी में चली गई। अब बस एक एक करके सब जा रहे हैं इस मोहल्ले से। कब है आपकी कुरान खानी? कल जुम्मे को है ना, असर मगरिब के दरमियान। देखो जरूर आना आप लोगों ने। और वो मसला ये है ना कि मोहल्ला इतना बड़ा है तो हर घर से मैंने दो दो जनों को ही बुलाया है बस। हाय हाय, तो फिर हमारी एक बेचारी देवरानी ही रह जाएंगी है। लेकिन वैसे ना उनको शौक नहीं कहीं आने जाने का, घर में ही पड़ी रहती है वो। हाँ अच्छा, जरा ये तो बताओ कि वो कुरान खानी में खाना वाना है या समोसे जलेबी पे ही टरखाओगी सबको? असरा भाई, अम्मी मैं तो इसलिए पूछ रही थी ना कि अगर खाना है तो फिर घर में खाना ना बनाए जुम्मे को, है यहीं से आ जाएगा। हमारा अपना पकवान वाला ना, स्पेशल पकवान वाला, उससे बनवाई है मैंने पूरे 10 किलो की बिरयानी की देर। अल्लाह तेरा शुक्र है, कितने अरसे के बाद मैं देख की बिरयानी खाऊंगी। और ना हमारे मोहल्ले में ना तो कोई मरता है ना किसी की शादी होती है कि चलो देख की बिरयानी मिल जाए खाने को। और बाजारों की जो बिरयानी ना, अल्लाह मान, तौबा तौबा तौबा, इतनी चिकनाई होती है ना उसमें कि खाने को दिल ही नहीं करता है। अच्छा सुनो, एक काम कर देना बहन, क्योंकि हम सब तो तुम्हारे यहाँ सिपारा पढ़ने आए हुए होंगे तो घर में खाना तो कोई बनाएगा नहीं, तो मर्द क्या करेंगे बेचारे हैं, जरा घर के मर्दों के लिए एक ट्रे भर के दे देना, मेरे मियाँ को ना बिरयानी बहुत पसंद है देख के। हाँ अजरा, क्या कह रही हो? देखो ना, हर एक के घर का अपना हिसाब किताब होता है ना, और हमारे घर तो वैसे भी जुम्मे को बिरयानी ही बनती है। आई नहीं खाला, क्या हो गया? एक प्लेट से कौन सी मेरी देग में कमी आ जाएगी? 10 किलो की देग बनवाई है मैंने। अब इन तू फिक्र नहीं कर, मैं ला दूंगी तुझे। अल्लाह, मम्मी कितनी अच्छी है ना, गुलशन आ रहा है। चाय बनवाऊं आपके लिए? आई इतनी देर से तो बोल रखा है इन्होंने, अब तक वो लड़की आई नहीं। आ रही है अभी, अंबर को बोला हुआ है मैंने। अच्छा,